SOLIDWORKS 2015 लेक्चर 1। इस वीडियो सीरीज में हम सारे बेसिक सीखेंगे SOLIDWORKS के, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे फ्रॉम बिगनर्स टू एक्सपर्ट, जिसमें एक स्केचिंग से लेके एनालिसिस तक, सिमुलेशन तक सब कुछ सिखाया जाएगा। आज लेक्चर 1 में हम क्या क्या कवर करेंगे? आज हम देखेंगे बेसिक इंटरफेस, स्केचिंग, बेसिक लाइंस, जितनी भी लाइंस होती है, डायमेंशंस देना उन लाइंस को या किसी भी फिगर्स को, उस फिगर को एक्सीक्यूट करना 3D में और उसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल और व्यू में देखना, लाइक आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक एंड मेनी मोर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा बेसिक ओवरव्यू है SOLIDWORKS का खुलते ही। इसमें ऊपर ये पॉप ऑप्शंस हैं, इसमें न्यू का ऑप्शन है, ओपन, अगर आपने कोई पुरानी बना रखी है तो उससे जस्ट हम बिल्कुल नया खोल के बैठे हैं। ये ऑप्शंस, इसमें जाके हम सारे ऑप्शन देखते हैं, जैसे ड्रॉइंग हो गई, असेंबलीज की ऑप्शन, फाइल लोकेशन कहाँ डालनी है, टच मैन्यू, ये हम बाद में देखेंगे। तो साइड में देखे जाए तो साइड में हमारे पास मोर विंडोज, ये होम की है, जैसे देखिए इसमें सारे सारे जो बेस वो है होम का वो है। इसमें सारी डिजाइन लाइब्रेरी जो हम वो लाइब्रेरी होगी, ये फाइल एक्सप्लोरर है, ये वो है अपीयरेंस एंड सीन्स, इसके अंदर हम कलर डिसाइड करते हैं, जैसे कि ये ग्लास का सॉलिड हो, कैसा हो, लाइट्स, ऑर्गेनिक स्टोन और मैं बहुत कुछ है, ये हम धीरे धीरे सब पे जाएंगे देखेंगे। तो स्टार्ट करने से हम स्टार्ट करते हैं नया प्रोजेक्ट अपना। तो यहाँ पे जाएंगे न्यू, इसके अंदर तीन ऑप्शन आएंगे, पार्ट, 3D पार्ट बनाएंगे पहले, इसमें 3D पार्ट बनाने के लिए इसको सिलेक्ट करें। अगर 3D पार्ट आपका बन चुके हैं, एक से ज़्यादा 3D पार्ट है उनको जोड़ना है तो उसके लिए असेंबली, और अगर 2D ड्राइंग जो कि ऑटोकैड है उसके लिए इस पर सिलेक्ट जाएंगे। तो एडवांस पे देखते हैं, एडवांस भी सेम है, पार्ट से असेंबली और ड्राइंग है। हम स्टार्ट करते हैं पार्ट से, इसके अंदर हम 3D पार्ट बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे या 2D को 3D में करेंगे। तो ये हमारा बेसिक ओवरव्यू है SOLIDWORKS 2015, जिसमें ये ऑप्शंस हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। इसमें ऊपर है सारा सेव वेव का ऑप्शन, जो अभी हमने बात करी थी सब कुछ वही सेम है। ना स्केच, ये हमारा स्केच बार है, स्केचिंग खुला हुआ है। ये फीचर्स पे जाएंगे तो हमारा सारा 3D सिस्टम आ जाएगा, जिसमें हम एक्सीक्यूट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, होल करते हैं, रिवॉल्व में कट करते हैं, फिलेट लगाते हैं और इसमें हम स्केच करते हैं 2D, और इस 2D से फिर हम 3D में जाते हैं, एक्सीक्यूट करते हैं। ये हमारे साइड में ऑप्शन आते हैं, जहाँ से अगर जो हम डिज़ाइन यहाँ बनाते हैं वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं, अगर डायरेक्ट एडिट करना हो तो। सिमिलर साइड में वही ऑप्शन है, स्मॉल विंडो, ऊपर ही शॉर्टकट्स है, जो ये ऊपर यहाँ पर फाइल्स में जाके जो होती है जितने भी हैं इसके यहाँ पर शॉर्टकट्स है, जिसमें ये है जूम का, ये अपीयरेंस, ये हम किस व्यू पे देखते हैं, देखिए शेडेड पे देखना है, सॉरी ये शेड का है, शेड हो, फेड हो, कैसा हो, ये व्यू है आइसोमेट्रिक या कौन सा व्यू आपको देखना है और कौन से प्लेन पे देखना है। ये साइड में हमारे पास तीन प्लेन है, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन और ये ओरिजिन है। यहाँ पे 0 0 0, तीनों एक्सिस 0 होंगे, ये हमारा एक्सिस बना हुआ है, ये 0 पे फ्रंट टॉप प्लेन। तो हम पहले ले लेते हैं टॉप प्लेन, जैसे हमने टॉप प्लेन सेलेक्ट किया तो ये हमारे पास एक प्लेन आ गया है टॉप प्लेन। अगर इसके लिए इसमें स्केच करना है तो या तो इस पर राइट क्लिक करिए, यहाँ पे ऊपर वाला ऑप्शन आ गया स्केच, या तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करिए सर्च स्केच पे। जैसे स्केच किया ये हमारे पास टॉप प्लेन सीधा खुल गया, यहाँ पे एक्सिस आ गए, टू एक्सिस आ गए हैं, जेड और एक्स, और वाई का ये ओरिजिन है। जो एक्सिस देखने हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम जैसे कि बनाते हैं इसमें लाइन, ये लाइन तीन टाइप की लाइन्स हैं, एक स्ट्रेट लाइन है, सेंटर लाइन जो है वो रेफरेंस के लिए है, और मिड पॉइंट लाइन उसको मिड पॉइंट को जॉइन मिड पॉइंट पे डालने के लिए है उसके, ये भी एक तरह से हम रेफरेंस में भी ले सकते हैं, लेकिन ये मिड पॉइंट लाइन हम इसको बाद में करेंगे, सर्कल में भी काम आते हैं और बहुत चीज़ों में काम आती है। हम मिड पॉइंट एरिया निकालते हैं या जो बड़ी डिज़ाइन करते हैं उसमें मिड पॉइंट की बहुत वैल्यू होती है, उसमें यूज़ होती है।
हम ये लाइन सेलेक्ट करते हैं। अभी हमारा आइकन कुछ ऐसे आ गया, तो हम स्टार्ट करते हैं लाइन बनाना। जरूरी नहीं है कि हमें इसी के अंदर बनाना है, हमें कहीं पे भी बना लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, जैसे हमें लाइन पे सिलेक्ट करेंगे तो ये हमने लाइन खींची, ये जैसे ये दिख रहा होगा, ये हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन आ गया है। येलो लाइन हॉरिजॉन्टल दिखा रही है, अभी वर्टिकल का सिंबल निशान आ रहा है। अगर देखे तो ये रेफरेंस लाइन क्यों आ रही है, ये देख लेते हैं। मैंने हाँ सही है, अब ये वर्टिकल का सिंबल दिखा रहा है क्योंकि वर्टिकल पे आ रहा है। टेढ़े पे कर देंगे तो ये नहीं दिखाएगा, ये वर्टिकल लाइन आ गई है। अब एक और चीज, जैसे हम सीधी जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन आ रहे हैं, एंगल पर कर रहे हैं, जो भी हो रही हो रही है, लेकिन अगर हम उसको पीछे लेके जाए और फिर आगे करें तो ये आर्क बन गया, दिख रहा होगा आर्क। अभी अगर हम उसको फिर लेके जाए और ऐसे कर, ये फिर वैसे बन गया, अब ऐसे आ गया। अभी इस पोजिशन का आ गया, इसमें आपको एरिया एंड रेडियस दिख रहा होगा, हमने क्लिक कर दिया। फिर सिंपल गए, अब यहाँ फिर पीछे आएंगे और ये इसको कनेक्ट कर देंगे। बनने के बाद इसको एस्केप दबा देंगे एक बारी, एस्केप। अभी हमारा फिगर हो गया तैयार, जो है रेफरेंस लाइन है, सेंटर लाइन, इसको हम रेफरेंस लाइन भी बोलते हैं। ये जैसे कि यहाँ से कनेक्ट कर, इसको हमने दे दिया यहाँ पे रेफरेंस के लिए। रेफरेंस फिर इसको हम दो तरीके से काट सकते हैं, राइट क्लिक करके सेलेक्ट या फिर सिंपल एस्केप। अभी तो ये तो हो गया हमारा स्केच जो हमने बनाया था। अब देखा जाए तो जैसे कि ये लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल है, अब ये वर्टिकल नहीं आ रही, ये इस सर्कल पे घूम रही है, लेकिन उसके भी अब ये पूरा सर्कल बनाएगी, ये जस्ट वैसे नहीं घूमेगी जैसे अगर हम बनाए तो। सेम ऐसे होगा, ये सर्कल पे भी घूमेगी। देखिए ये जो इसके रिलेशन है, इसी पॉइंट पे रहेंगे, पॉइंट से बाहर नहीं जाएंगे, जाएंगे तो कुछ और फिगर बनाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो छोटा सा सर्कल बन रहा है उस लेफ्ट कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे देखना, जैसे बाहर गए ये बड़ा छोटा सर्कल बन रहा है, कुछ दूसरी डिजाइन बनाएगा। ये जो है, ये हमारे सारे पॉइंट होते हैं, अगर हम इनको डिलीट कर दें, डिलीट जो है तो पहले डिलीट हो गया। जो हमारी ये है, जब ये किसी भी एंगल में कुछ भी, इसी ये पॉइंट बाकी सब रिजिड हो गए, अब ये किसी भी एंगल पे घूमेगा, अगर तो यहाँ छोड़ दिया तो इसी वो भी हो गई। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब हमने स्केच देख लिया, लाइंस हमने देख ली, अब हम देखते हैं डायमेंशन, डायमेंशन कैसे देते हैं। अब इसी फिगर की हम डायमेंशन देते हैं या इसकी दूसरी फिगर बनाते हैं। सेलेक्ट किया, डिलीट, लेफ्ट क्लिक करके आप इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं और एक एक लाइन पे क्लिक करके उसको भी डिलीट कर सकते हैं जो एक एक्स्ट्रा या गलत लाइन बन गई है। अब हम फिर से बनाते हैं कोई ऐसी चीज़ जो 3D में बदल जाए। यानी ये क्लोज फिगर बनाएंगे, इससे हम हो गया, फिर से बैक जाएंगे तो सर्कल, उससे बैक करेंगे तो सर्कल बनाएगा सीधा, फिर से बैक करेंगे तो सर्कल एंड देन एस्केप। अब ये बन गया, अब हमें देखना है, अब हमें देनी है इनको डायमेंशन। उससे पहले कि ये ब्लू लाइन है, चलिए ये बाद में बताएंगे, डायमेंशन के बाद का ही पॉइंट है। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे हम स्मार्ट डायमेंशन, इसमें ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, जैसे स्मार्टली मतलब ये तो स्मार्ट डायमेंशन में खुद मेजर करेगा,
हॉरिजॉन्टल आपको देनी है, कोई डायमेंशन होगा, ये वर्टिकल है, ये ऑर्डिनेट, बहुत सारे हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अगर हम जाते हैं डेक्स मार्ट पे, तो इस पे हमें क्या करना है, हमने लाइन ले ली है, बस उसी लाइन पे लिख करना है, और ये हमने खींच दी पीछे। अभी हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे इसका नाम डी1 स्केच है, या तो हम यहाँ पे टैग दे दें जो हमें चाहिए एक्यूरेट, या फिर हम ऐसे यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें चाहिए 100, 100 देखे टिक, तो ये 100 हो गई। अब एक 100 क्या है, इंच, ये हम यहाँ देखते हैं, ये mm में, मिलीमीटर ग्राम सेकंड, इसको हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अगर हमें MKS में चाहिए, मीटर किलोग्राम सेकंड में, CGS सिस्टम में चाहिए, इंच में चाहिए, या किसी में चाहिए, तब ये mm पे क्लिक है। अगर आपको इंच में चाहिए तो इंच पे हो जाएगा, और वापस से सेटिंग करने के लिए mm पे चाहिए तो mm। अभी जो हमारी फिगर है ये हो गया, हम फिर से स्केच पे जाएंगे, तो अभी हमारा इस पे आ गया, इसकी आ गई 100 डायमेंशन। सिंपल इसको देते हैं, इसको देते हैं, ओके, इसका रेडियस कितना है, 24, ये है 40 mm, इसका रेडियस है 6.35 mm, ओके। अभी हमने दे दी साइड डायमेंशन, अब ये तो हो गई हमारी साइड डायमेंशन जो बेसिक्स में थी। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं अगला इसको एक्सट्रूड, एक्सट्रूड टू 3D। अब ये फिगर हमारी बन गई है, अब हम इसको करेंगे एक्सट्रूड 3D में। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा फीचर्स में, फीचर्स में एक्सट्रूड, ये देखिए पूरी फिगर जो है 3D मॉडल में बन गई है। अब ये 3D में जो, अब इसमें हम यहाँ साइड देखते हैं डायरेक्शन 1 जो ये ऑप्शन दिखा रहा है, एक डायरेक्शन 2 इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे एक एरो नीचे आ गया, और बाकी ये थिन फीचर इस पर करेंगे तो इसकी थिकनेस आ गई, और इस पर कितना होल देना है तो कितने थिकनेस पे इसको ये थिकनेस रखनी है, शीट में जैसे शीट मेटल में होता है वैसे कितनी थिकनेस रखनी है। अभी हम थिकनेस थिन पे और डायरेक्शन 2 पे बाद में काम करेंगे, अभी हम जाते हैं डायरेक्शन 1 पे। ये दे रखा है 10 mm इसकी थिकनेस, और हम इसको बढ़ाएं 40 mm, जैसे यहाँ से बढ़ा सकते हैं एग्जैक्ट जो हमें चाहिए वो हम यहाँ से डाल सकते हैं, तो इस पर 20 करके यहाँ से रखते हैं टेक। अब जो हमारी फिगर है अब ये बन चुकी है 3D में। अब इसको सीधा करने के लिए अब हम यहाँ पे डायरेक्शन पे देंगे, इस फेस के नॉर्मल पे जाएंगे, नॉर्मल टू, और ये फेस हमारे आगे आ गया। सिमिलरली माउस का बीच का बटन दबाएंगे, अगर इस फेस को सामने से देखना है, स्टडी करनी है, या इसके अकॉर्डिंग बनाना है, तो इस पर क्लिक करके नॉर्मल टू ये आ जाएगा। अभी हमें जो था वो में भी ये था टॉप प्लेन, या शायद ये था, इसके नॉर्मल पे दे जाते हैं, कुछ ऐसा आ गया। ये हमारी जो डायमेंशन है अभी हम इसको हटाते हैं पहले, ये ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही। तो अब ये बन चुका है हमारा 3D ऑब्जेक्ट, पहला 3D ऑब्जेक्ट जो एक्सट्रूड हो चुका है, जिसके अंदर हमारा ये है, दो हाफ सर्कल्स हैं, एक आउटर एक इनर और एक रेक्टेंगल है। अब इसको हम डिफरेंट डिफरेंट टूल से देखेंगे, जैसे अगर यहाँ से देखना है तो इसके नॉर्मल पे देखना है, तो इसके नॉर्मल पे, इसके उस पर देख, इसके नॉर्मल, ये अगर हमें इसकी स्टडी करनी है तो ये आ गया, ये एंगल यही आएगा, और ये दिखा रहा है तो, और इस पे है तो ये सेम आ गया, और अगर इस पे है तो ऐसे। लेकिन अगर हम चाहें, और वैसे हमें अलग अलग एंगल से पढ़, अलग अलग एंगल देखने हैं, तो उसके लिए हम इस पे जा सकते हैं, ये डायरेक्ट ये अलग अलग व्यू आ जाएंगे, उसके लिए हमें किसी एंगल को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे बैक का दिखा रहा है तो ये आ गया, ये नीचे का दिखा रहा है नीचे का आ गया, ये टॉप का दिखा रहा है जो हमने बनाया था, तो टॉप प्लेन आ गया डायरेक्ट। तो ये हमारी डायमेंशन आ गई सिलेक्ट करने के बाद। अब हमें अगर एग्जिट करना है, कैसे एग्जिट करना है, तो अभी हम एग्जिट में ही है, और हमें फिर से इसको एडिट करना है, स्केच में जाना है, तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और इस एडिट टू स्केच, स्केच
स्केच पे चले जाएंगे। अब हम यहाँ